है अमूमन, उसका इलाज कैसे करना है या घर पे घरेलू इलाज कैसे करना है। आपको जो ध्यान रखने वाली बातें हैं, जो मुख्य रूप से क्या है कि गाय भैंस के पैर में जो सूजन होते हैं वो ज़्यादातर जो इसके कारण है, हमें इसे पहला चीज़ तो इलाज बता देते हैं कि जब भी आपको गाय भैंस के पैर में सूजन हो जाए तो हमें गाय को शक्कर देना है, 250 ग्राम सुबह और 250 ग्राम शाम, शाम के शक्कर देना है पानी में घोलकर और पिलाएं, 3 दिन तक शक्कर देना है। अगर गाय बड़ी है तो 400 ग्राम शक्कर सुबह और 400 ग्राम शाम दे सकते हैं। एक बाल्टी 15 से 20 लीटर पानी लेना है और 1 चम्मच काला नमक मिलाना है और उसके साथ आधा चम्मच फिटकरी लेना है और 20 लीटर पानी में इतना उबालना है कि पानी आधा रह जाए। पानी उस फिर उस पानी को ठंडा करना है और स्थिति में हम पानी को ठंडा करके गुनगुना कर लेंगे और पशु को पहले हाथ डाल के हम देख लेंगे पानी में कि हमारा अंगुली सह सकता है कि नहीं। फिर वो पशु को जहाँ पे भी स्वेलिंग है, सूजन है, उसमें लगाना है, धोना है या उसका सिकाई करना है। इसके बाद एक ठंडे कपड़े के मदद से पैर पर लगाएं या कपड़ा भिंगा के चिपका भी सकते हैं, इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। गाय को जो है ये जो है स्वेलिंग को कम करने में काफ़ी मदद करेगा। धन्यवाद।